पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए, अरे खुल के बोलिए ना। ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी? ये सरकार सोचती नहीं है इन चीजों को, इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। सुनिए, आप लोग जो है ना, आपको तकलीफ हो रही है, सवालात कर रहा हूं मैं मोदी से, बोलिए, आपके अंदर दिल के, आपके दिल और जिगर में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है, वो भाग पर जानी में तकलीफ होनी चाहिए आपको। भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि तालिबान, अब ये बीजेपी संघियों से मैं चाह रहा हूँ कि सुने इस जुमले को, तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया, या उनको आपने दूध पिलाया, या बगैर दूध की चाय पिलाई? और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर ए तैयबा का कैंप एक्टिव है? क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगढ़ में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलीस करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौकफ क्या बता दें? अगर आतंकवादी है तो क्या वो यूएपीए की टेररिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है, ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पर बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौकफ क्या है, क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको यूएन सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलीस करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप उनको यूएपीए की टेररिस्ट में उनको शामिल करेंगे? और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी? ये हमारा उनसे सवाल है। देखिए सुनिए, बातचीत, हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौकफ क्या है, आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं, क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तालिबान के बारे में आपका पोजीशन क्या है? आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो क्या यूएपीए के टेररिस्ट में शामिल करेंगे? और अगर मानते हैं टेररिस्ट हैं तो फिर आप माने भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है उनको डीलिस्ट करेगा या वही वैसा ही रखेगा? ये हमारा सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर इनके जो लोग बैठते हैं जैक इन द बॉक्स जो हैं, वो हर एक को तालिबानी तालिबानी तालिबानी, यानी ये क्या है फिर, ये इसको रुकाइए। ठीक है सर, आप सालों से बातचीत के वकालत करते हैं, हमने सुनिए, हम बातचीत हो रहा है तो आप उस पे भी निर्णय निकाल रहे हैं। सुनिए, हमने क्या कहा था कि क्या आप इनसे डायलॉग करेंगे, ये आएंगे? आपने मजाक उड़ाया मेरा। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, बीजेपी अपोजिशन में थी, बहुत गालियां दी। फिर मोदी की सरकार बनी 15 में, मैंने 2 मरतबा 16 में उठाया, आपका पोजिशन क्या है बताइए आप। आपने CAA का गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया, उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें आप मुसलमानों को ये रिलीजन के ऊपर बनाकर, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, पूछा गया हमसे, हमने कहा ये जो उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ाराज हैं, तुर्कमान हैं, इनका क्या करेंगे आप? आज
आज ये सब चीजें जो हो रही हैं आप देखते नहीं है ना, ये सरकार सोचती नहीं है इन चीजों को, इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरन पॉलिसी बना देती है लोग, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और नाकामी रही है। कहका वेलकम करेंगे कहका ने, अरे अरे भाई हम तो सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की टेरिटरी पर तालिबान की आदमी को बुलाया उनके रिक्वेस्ट पर, तो क्या आपने उनको चाय पिलाया, दूध की चाय या बगैर दूध की, कौन सी, और क्या कबाब खिलाया आपने उसमें, और हाजीघाट में जो हमारा माइनिंग राइट्स के बारे में क्या बोला आपने, क्या आपने उनसे कहा कि हेलमेंट में जैश ए मोहम्मद जो पार्लियामेंट पर हमला किया, एयरक्राफ्ट हमारा हाईजैक किए, लश्कर ए तैयबा जो मुंबई की सरजमीन पर मासूम लोगों को मारे, उनका कैंप खोस में चल रहा है, आपकी क्या पॉलिसी है? और तालिबान के टेररिस्ट है नहीं है, और अगर है तो यूएपीए में शामिल करेंगे नहीं करेंगे? भारत यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तालिबान के 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के कई लीडर्स, वो हक्कानी नेटवर्क जो हमारे एम्बेसी पर हमला किया और हमारा डिप्लोमेट मारा गया, क्या पॉलिसी है मोदी सरकार की बताइए। हाँ अरे हाँ हाँ मैं देखिए सुनिए आप लोग जो है ना, आपको तकलीफ हो रही है, सवालात कर रहा हूँ मैं मोदी से बोल के, आपके अंदर दिल के, आपके दिल और जिगर में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है, वो हक बजाने में तकलीफ होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सच्चे सवालात हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी मैंने ये पॉइंट्स को उठाया था, गवर्नमेंट क्यों शर्मा रही है, क्यों शर्मा रही है, हैं? पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए, अरे खुल के बोलिए ना, ये अरे कोई देश की सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा जो हम उठा रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है कि वो लोगों ने सालों से तालिबान को, दे हैव बीन फीडिंग तालिबान फ्रॉम गैस मिल, और हम उनको हमारे सरजमीन पर बुलाकर चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं, हैं, ये क्या बात है फिर? पाकिस्तान ने आखिरकार एडमिट कर, अरे वो देखिए, अगर पाकिस्तान एडमिट कर रहा है तो फिर आप भारत की सरजमीन पर तालिबान के आदमी को बुलाकर चाय बिस्कुट कबाब खिलाएंगे, ये बिल्कुल सही है। तालिबान और पाकिस्तान का तो ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। सर, आप बार-बार कह रहे हैं कि जो भी मुखालफत कर रहा है तो उसको तालिबान बोला जा रहा है, तो क्या आपको डर है, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोर से हिस्सा ले रहे हैं? मैंने सुनिए, उत्तर सुनिए, ये मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तालिबान तालिबान करेगी, और जैसा चुनाव खत्म हो जाएंगे आप देखेंगे तालिबान के लीडर के साथ बैठकर ऑफिशियली और ऑफिशियली बैठ के बोले यहाँ बातचीत और करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए, आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौकफ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है, क्या तालिबान ने हेलमेंड प्रोविंस में और अफगानिस्तान कोस्ट में लश्कर ए तैयबा के कैंप्स है नहीं है, हमारे हाजीघाट में हमारे माइनिंग राइट्स के ऊपर क्या होगा, क्या भारत अगर तालिबान को टेररिस्ट मानता है तो क्या उनको यूएपीए की लिस्ट में शामिल करेगा, और अगर चेयरमैन है यूएन सैंक्शन कमेटी का उनको डिलीस करेंगे आप बताइए। आप ये सरकार से सवालात करना हमारा राइट है ना, सरकार जवाब ही नहीं दे रही इस बारे में। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।